नमस्कार दोस्तों, गेस्ट 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वक्त की एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड ये आपकी न्यूज़ है। काफ़ी दिनों से विद्यार्थी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर इसका एग्जाम हुए काफ़ी दिन हो गया, इसका रिजल्ट क्यों नहीं आया, बहुत हम वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। तो फाइनली एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर निकल के आई है। रिजल्ट का तो लगभग पता चला ही है कि कब तक आ जाएगा, अच्छे सोर्सेज से यहाँ पर पता चला है। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि इसका जो फिजिकल है वो आपका कब तक हो जाएगा, ताकि जिनके भी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं वो अब से ही तैयारी शुरू कर दें, ताकि जो फिजिकल का अप्रॉक्सीमेट टाइम बताया गया है वहाँ तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके रिजल्ट को लेकर है। तो रिजल्ट बेसिकली अभी इस वीक में बताया गया था, जो पहले न्यूज़ आई थी उसके हिसाब से इस वीक में आ जाना चाहिए था, लेकिन इस वीक में अब आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ये यहाँ पर ऑफिशियली पता चल चुका है। अब जो आपका रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक में बताया जा रहा है। ये जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसमें जो भर्ती परीक्षा सेल है उसमें जो ADGP है विनीता ठाकुर, उनकी तरफ से एक चीज़ निकल के आई है। उन्होंने बताया है कि इसका जो रिजल्ट है वो अगले वीक में जारी किया जाएगा। इसके कुछ उन्होंने रीज़न भी बताए हैं, कारण बताए हैं कि क्यों ये देरी से हुआ है। उन्होंने बताया कि आपका रिजल्ट जो है वो तैयार हो चुका है, ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट तैयार नहीं हुआ है। तो उन्होंने बताया कि वो किसी भी प्रकार की यहाँ पे कमी यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहते हैं, यानी कि कोई भी अगर परिणाम में कोई दिक्कत होती है तो वो उसको पहले ही ठीक करेंगे। ऐसा नहीं कि रिजल्ट निकाल दे उसके बाद कोई खामियां हो और फिर दोबारा से आपका रिजल्ट निकालना पड़े, ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए रिजल्ट को अच्छे से बारीकी से चेक किया जा रहा है। जो भर्ती परीक्षा एजेंसी है उनके जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा परिणाम जो है उसका कार्य पूरा किया जा चुका है, यानी कि परिणाम उनके द्वारा जारी किया जा चुका है, लेकिन जो विभाग है, जो पुलिस विभाग है, उसके जो एक्सपर्ट है वो परिणाम को बारीकी से जांच कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लग रहा है और नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट वीक देखिए, 14 को संडे, 15 को आपका जो 15 अगस्त है उसका भी हॉलीडे रहता है, तो देखिए 15 के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। 16, 17, 18, 19, ठीक है, इन दिनों में लगभग 16, 17, 18, 19 और 20 तक लगभग आपका रिजल्ट, इन दिनों में कभी भी आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वैसे अभी जो वीक चल रहा है और अगला जो वीक है इसमें हॉलीडेज भी आपके काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये जो दिन है इनमें लगभग आपका फाइनली रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आपके फिजिकल को लेकर, रिजल्ट का आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट वीक में आपका लगभग 100% रिजल्ट बताया जा रहा है। बात करें अगर फिजिकल की, तो देखिए फिजिकल आपका बताया जा रहा है सितंबर में, ठीक है। तो देखिए फिजिकल अगर सितंबर में बताया जा रहा है तो ये आप 100% मान लीजिए कि इसी जो नेक्स्ट वीक है लगभग आपका रिजल्ट फाइनल उसमें आ जाएगा अगस्त में। सितंबर में अब आपका फिजिकल होगा कब, ये भी इसमें बताया गया है कि पहले या दूसरे सप्ताह में, ठीक है, पहले या फिर दूसरे सप्ताह में। अगर जो रिटर्न है उसका रिजल्ट में 5-7 दिन का अगर डिले होता है तो ये लगभग दूसरे सप्ताह तक जा सकता है, और रिजल्ट जैसे कि अगले 4 से 5 दिनों में या 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है, तो लगभग ये आपके पहले सप्ताह में भी आपका फिजिकल कराया जा सकता है, सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह के अंदर। तो दोनों इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, रिजल्ट की और फिजिकल की। अगर आपका एक अच्छा खासा स्कोर बन रहा है, आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिजिकल की तैयारियों में जुट जाइए। सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में आपका फिजिकल बताया जा रहा है, शारीरिक दक्षता यहाँ पे संभव बताई जा रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इसके रिजल्ट को लेकर और फिजिकल को लेकर। डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।